हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं सेक्शन 498 ए आईपीसी यानी कि क्रुएल्टी का जो मुकदमा वाइफ के द्वारा हस्बैंड पर डाला जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक मामले में कैसे उसमें बचाव लिया गया और कैसे आप 498 ए आईपीसी में स्पेशली जो गिरफ्तारी होती है उसका भय बना रहता है तो उस गिरफ्तारी से आप कैसे बच सकते हैं और इससे संबंधित आपको मैं एक हाई कोर्ट का करंट जजमेंट भी बताऊंगा और ये अपनी ही हाई कोर्ट उत्तराखंड का जजमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से क्या एक्शन लिया गया हस्बैंड के द्वारा जब उस पर सेक्शन 498 ए आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, ये मामला अपने ही शहर देहरादून का है। इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों बैंगलोर में निवास करते थे, उसके बाद लड़की देहरादून में आकर के रहने लगी और देहरादून के डालावाला पुलिस स्टेशन में सेक्शन 498 ए, सेक्शन 323, सेक्शन 506 के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज करवा दी। अब दोस्तों, इसमें जो लड़का है वो उस एफआईआर की कॉपी लेकर मेरे पास आया और जब मैंने उसमें एलिगेशंस पढ़े तो उसके आधार पर मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा कि क्या एलिगेशंस इसके अंतर्गत लगाए गए और इसमें लड़के ने अपनी तरफ से क्या स्टेप अभी तक लिया हुआ है और आगे की जो कार्यवाही है वो हम प्रैक्टिकली तय करेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इससे संबंधित पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं समझते हैं इस मामले को। इस पूरे मामले में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैंगलोर में निवास करते थे शादी के टाइम से और शादी के कुछ समय के बाद ही जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई और इस बीच वाइफ जॉब करने के पर्पज से एक साल तक यूएसए में भी रही। इसके बाद वाइफ की तरफ से सेक्शन 13 की एक पिटीशन डाली गई। इसके बाद देहरादून में ही मेंटेनेंस के लिए भी एक पिटीशन डाली गई। मेंटेनेंस में वाइफ ने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाया कि भाई वो उसके साथ क्रुएल्टी करता है, वो ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके उसे मारता पीटता है, जो उसकी मदर है वो भी दहेज की लालची है और शादी के पहले ही उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी और समय समय पर वो महंगे महंगे गिफ्ट भी उससे मंगाता रहता था जिसकी डिमांड को जो वाइफ है वो पूरा करती थी। कभी उसने महंगे कैमरे मंगाए और कभी आईफोन मंगाया और एक गाड़ी की डिमांड भी शादी में की थी। इस प्रकार के एलिगेशंस उस मेंटेनेंस के पिटीशन में हस्बैंड के ऊपर लगाए गए हैं और अपनी बेटी के मेंटेनेंस के लिए वाइफ ने 1.5 लाख रुपए पर मंथ की डिमांड की है या फिर परमानेंट एलिमनी के रूप में 2 करोड़ रुपए देने की डिमांड की है। वाइफ का कहना है कि वो खुद जॉब में है, उसे 70,000 पर मंथ के आसपास सैलरी मिलती है और जो हस्बैंड है वो भी जॉब में है, उसको 3 से 4 लाख के आसपास सैलरी मिलती है। तो इन सब आधारों पर इस मेंटेनेंस की डिमांड की गई और मीनवाइल इसी बीच सेक्शन 498 ए आईपीसी का एक मुकदमा देहरादून में ही दर्ज करवा दिया गया। अब दोस्तों, जब 498 ए आईपीसी का मुकदमा किसी पे भी दर्ज होता है तो सबसे पहली परेशानी उसकी ये होती है कि उसको भय रहता है कि भाई उसकी अरेस्टिंग ना हो जाए। अरेस्टिंग में सबसे ज्यादा भय इसलिए होता है कि समाज में इज्जत चली जाती है कि भाई ये जेल गया था, जेल रह के आया। स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा इन चीजों में नहीं पढ़े होते, वो इस चीजों से डरते हैं। तो इसीलिए लड़का इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया, इस एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में उसने अरेस्टिंग स्टे के लिए अप्लाई किया। अब दोस्तों, वहां पर हाईकोर्ट ने जो फैक्ट्स कंसिडर किए, जो फैक्ट इस पूरे मामले में देखे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि भाई ये जो पूरा मामला है ये मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड है, इसके अंदर जो भी सेक्शन लगाए गए हैं ये सब मैट्रिमोनियल मामला एक चल रहा है पहले से, सेक्शन 13 उसी से रिलेटेड ये सारे एलिगेशंस हैं। और दूसरी चीज, हाईकोर्ट ने ये मानी कि जो भी एक्ट इसमें बताए गए हैं यानी कि वाइफ के साथ अगर क्रुएल्टी हुई भी है उसके अनुसार कि उसको मारा गया है, पीटा गया है या फिर अन्य प्रकार की प्रताड़ना दी गई है, तो वो सारी की सारी घटनाएं बैंगलोर की हैं, देहरादून की नहीं। और ये जो एफआईआर है ये देहरादून में दर्ज की गई है यानी कि इसका जुरिसडिक्शन भी सही नहीं बनता है। और दूसरा, जो पिटिशनर्स हैं यानी कि जो हस्बैंड है और उसकी मदर है जो हाईकोर्ट में गए हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के भाग जाएंगे। तो इन सब आधारों को देखते हुए, इन सबको आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने उनकी अरेस्टिंग पर स्टे दे दिया या हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा कि उनकी अरेस्टिंग ना की जाए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी एक्शन ना लिया जाए। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, आप भी अरेस्टिंग स्टे के लिए अपना हाईकोर्ट जा सकते हैं और यदि आपके फैक्ट्स में दम है तो हाईकोर्ट अरेस्टिंग स्टे दे देगा। तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपको अरेस्ट होने का भय खत्म हो जाएगा, आप इजी वे में आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुकदमे को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि आपको एंटीसिपेटरी बेल का पता है, एंटीसिपेटरी बेल में जाके आप अग्रिम जमानत ले लेते हैं, वो भी इसीलिए होती है कि भाई आप अरेस्टिंग से बच सके, या फिर उसी का एक अल्टरनेट के रूप में ये है कि आप अरेस्टिंग स्टे भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।